नमस्कार, मैं प्रिया। आज 11 नवंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मनरेगा में फंड की नहीं है कोई कमी। राज्य के सभी जिलों में लॉ एंड ऑर्डर और ज्यादा होगी मजबूत। राज्य के अलग अलग स्टेशनों में फिर से बढ़े प्लेटफॉर्म टिकट के दाम। राज्य में एक साथ दो दो डिग्री कोर्स कर सकेंगे छात्र। बिहार के स्टेशन पर दो साल बाद पहुंची ट्रेन। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ का होगा समापन। बीते दिन छठ महापर्व को लेकर पहला अर्घ दिया गया, जिसके बाद समूचे बिहार में लोग आस्था के इस पर्व का प्रतीक बने। वहीं आज उगते सूर्य को अर्घ देकर इस व्रत का समापन हो जाएगा, जिसके बाद छठ व्रती आज भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ ही अपने व्रत को तोड़ने वाली हैं और पारण के साथ ही उनका यह व्रत खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही बीते दिन सीएम नीतीश ने भी इस मौके पर सूर्य को अर्घ दे करके पहला अर्घ अर्पित किया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मुख्यमंत्री आवास में बने तालाब में अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को छठ व्रतियों ने अर्घ दिया है। इसके साथ ही पटना के गंगा घाटों का जायजा लेने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे। उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डूबते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दिया था। छठ पूजा के बाद भी चलेगी गतिशक्ति एक्सप्रेस। देश की पहली 3 AC इकोनॉमी क्लास वाली गतिशक्ति एक्सप्रेस को यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए चलाया गया था, जिसके बाद अब खुशी की बात यह है कि शक्ति एक्सप्रेस के फेरे रेलवे ने बढ़ा दिए हैं, जिसके तहत अब छठ महापर्व के खत्म होने के बाद नई दिल्ली लौटने वालों के लिए पटना से बड़ा विकल्प मौजूद होगा। इसके साथ ही स्टेशन पर रुकने वाली स्पेशल ट्रेन में 3 AC इकोनॉमी की कुल 20 कोच है। इस कारण गतिशक्ति एक्सप्रेस में सीट भी उपलब्ध है, जबकि रेगुलर तौर पर चल रही स्पेशल ट्रेन में लंबी वेटिंग लिस्ट है। गतिशक्ति एक्सप्रेस से सफर करने वाले पैसेंजर्स को वेटिंग लिस्ट का लफड़ा नहीं झेलना पड़ेगा। रेलवे ने यह फैसला छठ महापर्व में पैसेंजर्स की भीड़ को देखते हुए लिया है। इस ट्रेन में 3 AC इकोनॉमी के सभी 20 कोच अत्याधुनिक तरीके से बनाए गए हैं। ट्रेन के बर्थ के डिजाइन में सुधार करते समय इसे यात्रियों के लिए पहले की तुलना में ज्यादा आरामदायक बनाया गया है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे सुमंत्र सुमो दत्ता की। सुमंत्र सुमो, जिन्हें सुमो के नाम से जाना जाता है, एक वैश्विक मीडिया कार्यकारी और व्यावसायिक पेशेवर है, जो वर्तमान में बेक्सिमको कम्युनिकेशंस लिमिटेड बांग्लादेश के CEO के रूप में कार्यरत है। नेस्ले इंडिया लिमिटेड, टाइम्स ऑफ इंडिया, मुद्रा स्टार इंडिया, स्टार मिडल ईस्ट और इकोनेट विजन लिमिटेड के साथ उनका पेशेवर करियर 30 साल का है। भारत में स्टार टीवी की सफलता से उनका उल्लेखनीय योगदान माना जाता है। 20 से अधिक वर्षों से स्टार में आयोजित विविध पोर्टफोलियो में पेशेवर रूप से प्रशंसित प्रदर्शन का उन्होंने काफी काम किया है। मध्य पूर्व में अपने कार्यकाल के दौरान कंट्री हेड, मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान, अफ्रीका और स्टार इंडिया के अंतर्राष्ट्रीय वितरण के रूप में उन्हें अरेबियन इंडस्ट्री द्वारा ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के शीर्ष 10 मूवर्स और शेकर्स में नामित किया गया था। कॉम सूची में 6 स्थान पर रहे थे। सीआरपीएफ जवान धर्मेंद्र को दी गई अंतिम विदाई। रोहतास जिले के संझौली प्रखंड के गरुटा गांव के सीआरपीएफ जवान धर्मेंद्र कुमार का बुधवार को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार की रस्म से पूर्व जवान की शव यात्रा भी निकाली गई थी। शहीद धर्मेंद्र के पार्थिव शरीर को जब उनके 5 वर्षीय बेटे सिट्टू ने मुखाग्नि दी तो सबकी आंखें भर आई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जवान धर्मेंद्र का पार्थिव शरीर मंगलवार को करीब 2:30 बजे दिन में पटना एयरपोर्ट पहुंचा था और वहां से सीआरपीएफ के जवानों द्वारा विशेष वाहन से देर रात पथरी गांव लाया गया था। जवान के शव के इंतजार में हजारों लोग संझौली विक्रमगंज की सीमा सोनीग्राम के पास एकत्रित हुए थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि धर्मेंद्र की जान आपसी रंजिश के कारण एक साथी की वजह से ही गई। भारतीय वायुसेना में नौकरी करने का मौका। भारतीय वायुसेना ने 82 ग्रुप सी सिविल पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत सभी उम्मीदवारों से निवेदन किया गया है कि IAF के लिए आवेदन करने से पहले रोजगार संबंधी सभी आवश्यक जानकारी को पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10वीं 12वीं स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। वहीं अगर हम भारतीय सेना की तरफ से निकाले गए रिक्तियों की बात करें तो SUPDT स्टोर के लिए 1, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 12, कुक के लिए 5, बढ़ई के 1 और नगरी की आंशिक परिवहन चालक के 44, फायरमैन के और 1 मल्टी टास्किंग स्टाफ के 18 पदों पर आवेदन की मांग की गई है, जिसके तहत इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 28 नवंबर 2021 तक IAF की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को छठ व्रतियों ने दिया अर्घ। बीते दिन लोकास्था के महापर्व छठ के मौके पर श्रद्धालुओं और छठ व्रतियों की भारी भीड़ देखने को मिली थी। इस बार छठ मेले का आयोजन नहीं किए जाने के बावजूद देव के पौराणिक सूर्यकांड पर 5 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे, जहां अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ अर्पित किया गया। इस दौरान सभी लोगों में काफी ज्यादा आस्था नजर आई। इसके साथ ही देव के सदियों पुराने सूर्य मंदिर को आकर्षक ढंग से भी सजाया गया था। छठ महापर्व के तीसरे दिन डूबते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दिया गया।
दोपहर बाद से ही यहां श्रद्धालु और छठ व्रतियों का आना शुरू हो गया। देव के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिली। मनरेगा में फंड की नहीं है कोई कमी। मनरेगा में फंड की कमी को लेकर कई राज्य सरकार द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक 222 करोड़ से अधिक व्यक्ति दिवस सृजित किए गए हैं। 2021 में 6 करोड़ से अधिक परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। पिछले बजट की तुलना में वर्तमान में 18% से अधिक धनराशि जारी की गई है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को इस वित्तीय वर्ष में 63,793 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। साथ ही यह भी कहा है कि वर्तमान में 8,931 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध है। इस दौरान मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि मनरेगा में फंड की कमी नहीं थी, ना है और ना ही भविष्य में होगी। साथ ही तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे राज्य सरकारों के सवालों पर पलटवार भी किया है। बिहार में हर घर नल का जल का काम अभी तक है अधूरा। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल का काम भले ही सूबे की नीतीश सरकार की नजर में पूरा दिख रहा हो, मगर केंद्र सरकार की ताजा रिपोर्ट में इस बात को खारिज कर दिया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार 31 अक्टूबर 2021 तक 100% घरों में नल का जल पहुंचाने वाले राज्यों की सूची में शामिल नहीं है और बिहार में 90% ही यह काम हो पाया है। जबकि दूसरी तरफ अगस्त महीने के अंतिम दिन ही नल जल योजना से जुड़े एक विभाग ने मुख्यमंत्री के सामने योजना के 99.6% काम पूरे होने का दावा किया है। इस बारे में संभावना जताई जा रही है कि राज्य ने अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया है, मगर केंद्र सरकार को इसकी जानकारी नहीं दी गई है। इस बारे में बताया गया है कि केंद्र सरकार की समीक्षा बैठक में विभाग के अधिकारी उस दिन जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में अस्त व्यस्त होने के कारण मौजूद नहीं हो सके थे। बिहार के सभी जिलों में लॉ एंड ऑर्डर और ज्यादा होगी मजबूत। बिहार के 38 जिलों में अब लॉ एंड ऑर्डर और भी ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि क्राइम मीटिंग की तरह ही सभी जिलों के एसपी इसी तरह की बैठक हर महीने करेंगे, जिसमें जिले के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा की जाएगी। इस संबंध में राज्य के डीजीपी के निर्देश दिए जाने के बाद एडीजी ने सभी 38 जिलों के एसपी को निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि प्रत्येक महीने के 4th सप्ताह में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिलों के एसपी अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस पत्र में यह भी जानकारी आई है कि जल्द ही सीएम नीतीश कुमार भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक कर सकते हैं। मीनाक्षी लेखी ने नालंदा को बताया ज्ञान, संस्कृति और संस्कारों का वाहक। बीते दिन नालंदा में आयोजित 6th अंतर्राष्ट्रीय धर्मधम सम्मेलन में भाग लेने के लिए केंद्र सरकार की विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय पहुंची, जहां उन्होंने सम्मेलन में भाग लेते हुए मौजूदा लोगों के सामने अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय को प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी का धरोहर बताया। उन्होंने कहा कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय ने जो ज्ञान दिया उसे अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय आने वाले भविष्य के लिए संवारेगा। इस दौरान उन्होंने भग्नावशेष को देखने का अपना अनुभव भी बताया और कहा कि नालंदा नाम ही काफी है, यह ज्ञान, संस्कृति और संस्कारों का वाहक रहा है। छठ के बाद बिहार से दिल्ली जाने वालों के लिए काम की खबर। छठ पूजा के लिए जो लोग दिल्ली से बिहार आए हैं उन्हें वापस जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि पूर्व मध्य रेलवे द्वारा पूजा के बाद 4 दिनों तक पटना से दिल्ली के लिए पटना आनंद विहार टर्मिनस पटना गतिशक्ति सुपरफास्ट एक्सप्रेस का परिचालन किया जाएगा। यह ट्रेन पूरी तरह से आरक्षित होगी। इसके तहत नई 3rd AC इकोनॉमी कोच युक्त गाड़ी संख्या 01683 पटना आनंद विहार टर्मिनस गतिशक्ति सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन 12, 14, 16 और 18 नवंबर को पटना से 17:45 पर प्रस्थान कर अगले दिन 9:50 पर आनंद विहार टर्मिनस पहुंचेगी। बताते चले कि आनंद विहार टर्मिनस से अप और डाउन दिशा में यह स्पेशल ट्रेन दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, वाराणसी, प्रयागराज जंक्शन और कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर रुकेगी। राज्य के अलग अलग स्टेशनों में फिर से बढ़े प्लेटफॉर्म टिकट के दाम। ट्रेन सफर करने वाले यात्रियों को फिर से झटका लगा है। सोनपुर रेल मंडल प्रशासन ने 9 दिनों के लिए आधा दर्जन से अधिक स्टेशनों के प्लेटफॉर्म टिकट की दर को 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए तक कर दिया है। इसके तहत मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, बरौनी, खगड़िया, सोनपुर, बेगूसराय, मानसी, नवगछिया के साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेल मंडल के गया जंक्शन, डेहरी ऑन सोन, सासाराम और DDU जंक्शन पर प्लेटफॉर्म टिकट को 50 रुपए कर दिया गया है। यह दर बीते मध्यरात्रि से 19 नवंबर तक लागू रहेगी। बताते चले कि पर्व के दौरान अनावश्यक भीड़ को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। राज्य में एक साथ 2-2 डिग्री कोर्स कर सकेंगे छात्र। जल्द ही बिहार के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्रा एक ही सेशन में एक साथ 2 डिग्री कोर्स कर सकेंगे। इसमें से एक कोर्स नियमित पाठ्यक्रम के तहत होगा तो दूसरा डिग्री कोर्स ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग कोर्स के जरिए किया जा सकेगा। इसके लिए UGC ने एक ही विधा में या 2 अलग-अलग विधाओं में एक साथ 2 डिग्री कोर्स करने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही इस संबंध में राजभवन और कुलाधिपति को कार्यालय को चिट्ठी भेज दी है। पत्र के माध्यम से UGC ने राज्य
को यह जानकारी दी है कि एक छात्र जिसका विश्वविद्यालय के नियमित डिग्री पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ हो, वो साथ साथ एक अतिरिक्त डिग्री कोर्स भी कर सकता है, लेकिन वो कोर्स ओपन यूनिवर्सिटी या डिस्टेंस मोड में उसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय में होना चाहिए। आगामी बजट में आमदनी बढ़ाने की तैयारी में जुटी बिहार सरकार। साल 2022 शुरू होने में महज 1.5 महीने बाकी है, इसलिए साल 2022-23 के वित्तीय वर्ष के बजट को तैयार करने के लिए बिहार सरकार अभी से ही जुट गई है। इस बजट से खासकर सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने पर काम करेगी। इसको लेकर आगामी 12 नवंबर से 19 नवंबर तक मंथन होगा। इस दौरान विभागवार संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। राजस्व संभावना वाले सभी विभागों को अगले वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य बताने के लिए कहा गया है। इस बाबत वित्त विभाग की तरफ से प्रदेश के सभी 47 विभागों और निकायों को पत्र भेजा गया है। इसमें राजस्व और पूंजीगत दोनों तरह की प्राप्तियों के विस्तार पर चर्चा होगी। बिहार के ये युवा कर सकते हैं मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता के लिए आवेदन। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता के लिए बिहार के ये युवा भी आवेदन के लिए योग्य माने जाएंगे, जिसके तहत यदि आप बिहार के स्थानीय निवासी हैं और 12वीं कक्षा की परीक्षा पास कर ली है तो आप मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत स्टूडेंट्स को 2 साल के लिए प्रति महीने 1,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के स्टूडेंट्स के लिए यह बेरोजगारी भत्ता बहुत मददगार साबित हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वैसे छात्र उन्होंने बिहार में अवस्थित सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो लेकिन उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं किया हो, वो इस योजना के लिए आवेदन करने के बाद यादव का छलका पुराना दर्द। भोजपुरी सिनेमा और गायकी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने अपना पुराना दर्द जाहिर किया है। उन्होंने इस दौरान कहा कि अपने करियर की शुरुआत में लोगों के उपहास का सामना उन्होंने बहुत ज्यादा किया था। इस दौरान उन्होंने बताया कि वो अपने करियर की शुरुआती में उन्होंने एक डांसर के रूप में की थी और इसे हे की दृष्टि से देखा जाता था। उनका यह दर्द तब उमड़ा जब भोजपुरी के महान कलाकार भिखारी ठाकुर के साथ ही रामचंद्र मांझी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री सम्मान से नवाजा। रामचंद्र मांझी भी कला से जुड़े हुए हैं। खेसारी ने उन्हें बधाई देते हुए इसे गर्व का पल बताया है। इस दौरान खेसारी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि रामचंद्र मांझी उनके जैसे सभी कलाकारों के लिए आदर्श रहे हैं, आज भी और आगे भी रहेंगे। भारत बायोटेक ने कोविड-19 की तीसरी खुराक का दिया विकल्प। भारत में कोविड-19 के वर्तमान मामलों को देखते हुए जोर शोर से टीकाकरण अभियान को करवाया जा रहा है। इस दौरान सभी लोगों से फर्स्ट डोज के बाद दूसरा डोज लेने की अपील की गई है। इस बीच भारत बायोटेक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कृष्णा एल्ला ने कहा है कि कोविड-19 की दूसरी खुराक के 6 महीने बाद ही तीसरी खुराक दी जानी चाहिए, यह सबसे उचित समय है। इसके साथ ही उन्होंने नाक से दिए जाने वाले टीके यानी कि नेजल वैक्सीन के महत्व पर भी जोर दिया है। इस दौरान उन्होंने इस बाबत को भी रेखांकित किया कि अब उनकी कंपनी जो जीका रोधी टीका बनाने वाली दुनिया की पहली कंपनी है। प्रधानमंत्री मोदी का कोवैक्सीन टीका लगवाना उनका भारतीय विज्ञान में भरोसा दिखाना था। बिहार के इस स्टेशन पर 2 साल बाद पहुंची ट्रेन। बिहार के एक रेलवे स्टेशन पर लगभग 2 साल के बाद ट्रेन पहुंची तो लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए और सभी यात्रियों ने इस ट्रेन का भव्य स्वागत किया। कोविड-19 के कारण इस रेलवे स्टेशन पर करीब 2 साल बाद माता जानकी की नगरी सीतामढ़ी में रामायण एक्सप्रेस बुधवार को पहुंची। रामायण एक्सप्रेस के आने वाले लोगों का सीतामढ़ी शहर के वासियों ने जमकर स्वागत किया। रामायण एक्सप्रेस के सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही साथी जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। इस दौरान रेल से आए लोगों का भव्य स्वागत तो किया ही गया, साथ ही उनको फूलमाला पहनाया गया, तिलक लगाकर उनको आशीष दी गई। इतना ही नहीं, शहर से गुजरने वाली रामायण काल से जुड़ी नदी लक्ष्मण के पानी को सिर पर रखकर अतिथि सत्कार की परंपरा निभाई गई। इस दौरान कई लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि पीएम मोदी की तरफ से की गई यह पहल बेहद ही सराहनीय है। पटना के 196 स्कूलों में होगी बच्चों के टैलेंट की जांच। कल यानी 12 नवंबर को राजधानी पटना के सरकारी और निजी स्कूल को मिलाकर 196 स्कूलों में सर्वे किया जाएगा। यह सर्वे बिहार शिक्षा परियोजना के तहत होने वाला है, जिसके तहत राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत ही बच्चों की दक्षता की जांच की जाएगी। इस कार्यक्रम को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से पटना जिला के DEO को निर्देश दे दिया गया है, जिसके तहत सर्वेक्षण किए जाने वाले स्कूलों को सुबह 7 बजे से खोलने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान स्कूल के सभी शिक्षक छात्र और कर्मचारी मौजूद रहेंगे। बताते चले कि यह एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण है, जिसके तहत स्कूल की व्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई आदि के बारे में जांच की जाएगी। इस दौरान चयनित स्कूलों के शिक्षकों से भी सवाल पूछे जाएंगे। चिराग पासवान ने पद्म भूषण पुरस्कार मिलने पर जताया आभार। हाल ही में मरणोपरांत रामविलास पासवान को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसको कि चिराग पासवान ने ग्रहण किया था। जिसके बाद इस पुरस्कार को ग्रहण करने के बाद चिराग बीते दिन पहली बार पटना आए। दिवंगत पिता को भारत सरकार की तरफ से दिए गए सम्मान पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि गर्व महसूस हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके न रहने के बावजूद भी उनके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर
उनको सम्मानित किया गया। इस बात की कभी कल्पना नहीं की गई थी कि पिता की जगह वो उनके सम्मान लेंगे। चिराग ने कहा है कि इस सम्मान के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी ओर से, अपने परिवार और पार्टी की तरफ से हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। देश की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला अरबपति बनी फाल्गुनी नायर। नायका संस्थापक फाल्गुनी नायर देश की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला अरबपति बन गई है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक फाल्गुनी की नेटवर्थ बढ़कर 6.5 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 49,000 करोड़ रुपए हो गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, नायका एक ब्यूटी रिटेल कंपनी है जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन बेचती है। नायका की टैगलाइन है, योर ब्यूटी आवर फैशन। महिलाओं पर फोकस करते हुए इसके लोगों का रंग भी बहुत सोच समझ कर पिंक रखा गया है। शुरुआत में ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था, लेकिन बाद में ऑफलाइन स्टोर्स भी खुल गए। ज्ञात हो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पर नायका के शेयर में 89% बढ़ोतरी हुई है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। गुरु गोविंद सिंह 1675 में सिखों के गुरु नियुक्त हुए थे। भारत में 1950 को पहला भाप इंजन चितरंजन रेल कारखानों में बनाया गया। फ्रांसीसी क्षेत्र पांडिचेरी करिकल माहे तथा यानोन 1954 में भारत सरकार को सौंपे गए। भाषा के आधार पर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। राजधानी दिल्ली 1956 में केंद्र शासित राज्य बना। पंजाब में अलग करके 1966 में हरियाणा राज्य का गठन किया गया। सन 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार कैलाश वाजपेयी का जन्म 1936 में आज ही के दिन हुआ था। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री माला सिन्हा का जन्म 1936 में आज ही के दिन हुआ था। रांची से होने वाले भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच के लिए टिकट रेट जारी। इस महीने बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में ही क्रिकेट प्रेमियों को टीम का मैच लाइव देखने का मौका मिलेगा। 19 नवंबर को रांची में भारत और न्यूजीलैंड 20 मैच के लिए टिकट का दर जारी किया गया है। बता दें कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस मैच का आयोजन होगा। आपको यह भी बता दें कि यह मैच 19 नवंबर को रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा। अब टिकट की दर भी जारी कर दी गई है, जिसके तहत सबसे कम दर में 900 रुपए में टिकट मिलेगा, जबकि सबसे अधिक दाम का टिकट 8,000 रुपए निर्धारित किया गया है। बता दें कि JSC अधिकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर खाने पीने की सामग्री पर लगे प्रतिबंध को वापस लेने का आग्रह किया है। साथ ही स्टेडियम में 50% दर्शकों को ही मैदान में एंट्री दी जाएगी। साथ ही बता दें कि टिकट ऑनलाइन ही मिलेंगे। गूगल का ट्विटर वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से हुआ लागू। इंटरनेट की दुनिया का सबसे खास सर्च इंजन प्लेटफॉर्म गूगल ने अपने सभी यूजर के लिए 2-स्टेप वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। यह नया नियम 9 नवंबर से लागू होगा। इस नए नियम का असर सभी गूगल यूजर पर पड़ेगा। बताते चले, गूगल का 2-स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस एक अतिरिक्त सिक्योरिटी लेयर सिक्योरिटी मुहैया कराएगा। इसमें गूगल अकाउंट ज्यादा सुरक्षित रहेगा। इसके तहत हालांकि ऐलान इस साल मई में हुआ है, जिसके गूगल की तरफ से 9 नवंबर से अनिवार्य कर गूगल अकाउंट लॉगिन करने पर SMS या फिर ईमेल पर 1-टाइम पासवर्ड यानी OTP भेजा जाएगा, जिसके दर्ज करने के बाद ही गूगल अकाउंट का इस्तेमाल कर पाएंगे। मौजूदा दौर में पासवर्ड चोरी की घटनाओं को देखते हुए गूगल ने यह नया नियम लागू किया है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 10 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,290 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,530 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 64,700 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम राजधानी पटना की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल 91.09 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शंकर मुखिया, माई सरकारिज्म, गौतम कुमार, सुभाष कुमार सिंह, अरविंद कुमार, राम विनय गिरी, विजय घायल कुमार, राहुल मनीष मेहरा, छोटू कुमार, तुषार रावत, अरविंद कुमार, उमेश शर्मा, दीपक श्रीवास्तव, उमाशंकर कुमार, सौरभ मिश्रा। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार छठ के इस त्यौहार में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना भूले। धन्यवाद।